सब्सक्राइब कीजिए बकेट ऑन स्ट्रीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैगा की हालचाल, सत श्री अकाल, तोड़ा वीर एक बार फिर से हाजिर है लेकर एक और ब्रांड न्यू वीडियो, और आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल बकेट ऑन स्ट्रीट में। सो दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना स्टील डोर्स के बारे में, अब हम जानेंगे इस वीडियो में पीवीसी पैनल के बारे में, किस प्राइस रेंज में है, कैसे कैसे वो आप तक पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। तो आप चलते हैं अंदर और जानते हैं पीवीसी पैनल के बारे में। सो लेट्स गो। दोस्तों मेरे साथ हैं एमएस सेफ्टी डोर से मिस्टर शेखर जी, बात करते हैं भैया से और जानते हैं इनकी जगह के बारे में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके फर्म कब स्टैब्लिश हुई और किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप लोग डील करते हैं, कुछ बताएं। भैया हम एमएस सेफ्टी डोर्स में दो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, स्टील सिक्योरिटी डोर्स एंड पीवीसी पैनल्स। जो लास्ट 11 ईयर से हमारी कंपनी है, जिसमें विद माइल्ड स्टील डोर दिए जाते हैं और पैनल्स दिए जाते हैं, जो ऑल ओवर पैन इंडिया में हमारा होलसेल एंड रिटेल दोनों है। अच्छा, प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँगा, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिक्टली बात करेंगे पीवीसी पैनल्स के बारे में, तो पीवीसी पैनल में जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है वो कितने से स्टार्ट होती है, कितने तक जाती है, किस साइजेस में आपके पास पैनल्स अवेलेबल हैं, कुछ बताएं। भैया पैनल्स में हमारे पास सीलिंग भी है जो हम इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग के साथ एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट, जिसमें हमारी फ्रेमिंग्स भी होती है और पैनल और लेबर और मोल्डिंग इंक्लूड होती है 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट में। अच्छा, ये आप एंड टू एंड कस्टमर को देते हैं? या एंड टू एंड कस्टमर को देते हैं। वॉल्स का है वो हमारा 50 रुपीज़ से 65 रुपीज़ स्क्वायर फीट होता है विद इंस्टॉलेशन लेबर पैनल एंड मोल्डिंग के साथ। उसमें उसके अलावा हम वॉल्स पे LCD पैनल्स और डिज़ाइनिंग वगैरह अलग से करके देते हैं, जिसका आपका चार्जेस वो वॉल्स और इंटीरियर के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, अगर बात करना चाहूँगा क्वालिटी की, पीवीसी में हर तरह की क्वालिटी आती है, थिकनेस जो आप प्रोवाइड कराते हैं वो कितने mm की है? थिकनेस हम जो है, हमारे पास तीन क्वालिटी के पैनल हैं, एक हॉट स्टैम्पिंग पैनल आता है, एक रेगुलर नॉर्मल पैनल आता है। हॉट स्टैम्पिंग पैनल जो है वो हम सीलिंग्स में यूज़ करते हैं, वॉल्स में हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं रेगुलर पैनल यूज़ करते हैं, लाइक इस टाइप के ये कलर है, ये कलर है। हमारे पास 178 डिज़ाइंस हैं अपने, और ये 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ स्क्वायर फिट के हिसाब से दिया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, और इसमें ये कलर्स भी ले सकते हैं आप अपना रेजिडेंस के हिसाब अकॉर्डिंग। और फर्स्ट हम विज़िट करते हैं, उसके बाद हम एस्टिमेट देने के बाद अपना वर्क करते हैं कंप्लीट, और फाइव ईयर्स की भी वारंटी है हमारे वर्क की। अच्छा, दिल्ली NCR में तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके दीवारों का साइज़ लेकर एस्टिमेट देते हैं। जो बाहर से अगर कोई विज़िट कर रहा चाहता है कि आप उसके वहाँ तक पहुँचें और काम करें, वो कैसे पॉसिबल है? दिल्ली NCR के NCR में भी विज़िट कर देते हैं, गुड़गांव आपका हो गया, आपका इंद्रपुरम हो गया, आपका हम इस तरफ आपका इंडस्ट्रियल एरिया TDI मॉल जैसे आपका है, किंग्सबरी फ्लैट्स है, इधर बहादुरगढ़ हो गया, यहाँ तक भी हम अपना विज़िट कर लेते हैं। इससे भी बाहर अगर किसी को जाना, इससे बाहर अगर, हमारा ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन ऑर्डर कितने पैनल्स का ऑर्डर है, इज़ अ ऑर्डर ऑफ 250 पैनल्स तो हम ऋषिकेश तक भी हमारा वर्क चलता है, रुद्रपुर में हमारा काम हुआ है, 5-star होटल्स में हमारा काम है, हम बैंकट्स बनाए हुए हैं, हमारे पास ऑलरेडी वीडियोज़ हैं उनकी, 3-4 बैंकट्स हमारे बन रहे हैं वर्क में हैं, जो हमारे रोहिणी में 2 बैंकट बन रहे हैं, एक नारायणा में हमारा बैंकट बन रहा है, और इस तरह से हमारे रेगुलर काम वर्क टू वर्क आते रहते हैं, काम के हिसाब से आगे काम आता रहता है। पैन इंडिया जो आप पीवीसी पैनल्स डील करते हैं रिटेल में, मिनिमम कितने पीस लेने पड़ेंगे और ट्रांसपोर्ट GST शिपिंग चार्ज के हिसाब से? इसके लिए देखिए, अभी हमारे जो पैनल ज़्यादातर जाते हैं गोवा में जा रहे हैं, वहाँ तो हमारे मैक्सिमम फिर बंडल्स के हिसाब से जाते हैं, वो होलसेलिंग में जाते हैं गोवा में, गुवाहाटी में, मणिपुर में, चेन्नई में, कलकत्ता में, पंजाब भी हम कम करते हैं, और जयपुर में हमारे पैनल्स जा रहे हैं, अभी हमारे ऋषिकेश में गए हैं, और मैक्सिमम तो मिनिमम ऑर्डर हमारा वो 50 से 100 बंडल्स का होता है। अच्छा, हाँ, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्टली आप होलसेल करते हैं, रिटेल आप करते नहीं? रिटेलिंग का हम ज़्यादातर जो कोशिश करते हैं वो दिल्ली NCR में करते हैं, जिसमें आप इंस्टॉलेशन और का पूरा काम प्रोवाइड, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर भी हमारे होते हैं उसमें, और इंस्टॉलेशन भी हम करके देते हैं,
पूरा काम फिनिशिंग के साथ किया जाता है, और उसका पूरा वीडियो अपना हमारा इंस्टॉलर हमारे को फाइनल पे हमारे को भेजता है, हम चेक करते हैं उसके बाद फाइनल पे जाके पार्टीज की पूरी तसल्ली के बाद ही सारा काम किया जाता है। 5 ईयर्स की वारंटी दी जाती है और पूरी तसल्ली के साथ काम किया जाता है हमारे। पीवीसी में आप किस तरह की गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं? पीवीसी में पैनल्स की है कि सीलिंग्स की होती है, सीलिंग पे कोई पैनल का जो होता है जैसे कोई ज़्यादा कलर की होती है कि कलर फेडिंग की होती है कि कलर फेड नहीं होगा इस टाइप से, या कुर्सी वगैरह लग जाए उस टाइप की नहीं होती, ब्रेक की गारंटी नहीं होती है, बाकी वारंटीज तो 5 ईयर्स की है ये। ओके, तो अब बात करना चाहूँगा जो टीवी यूनिट आपने डिज़ाइन किया हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कितने बाई कितने में आपने डिज़ाइन किया हुआ है, कितनी कॉस्टिंग बैठी है इसकी? ये पैनल की जो डिज़ाइनिंग है जस्ट एक ये एक पैनल जो है ये एक ये वेव है, वेव दी गई है, लहर सीलिंग तक जोड़ रही है, सीलिंग तक जोड़ रही है, ठीक है। इसमें हमने LCD पैनल्स इंस्टॉल कर दिया है, इसमें देख रहे होगे आपको मैंने मोल्डिंग जो है वो वुडन कलर में दी है वाइट पैनल के साथ, और जो जो पीछे जो मैंने बैग दिया है इसको वुडन कलर की लुक दी है सारी, और इसमें जो है ये सारा ये फ्रेमिंग करके दिया गया है। ये हमारे में ना सेक्शन और पैरामीटर दो चीज़ यूज़ होते हैं, ये पैरामीटर यूज़ किए गए हैं जो पैरामीटर को रोल करके और पैनल इसमें रोलिंग दिख रहा है। हाँ, इस टाइप के डिज़ाइनर के डिज़ाइन जो है वो उसका अलग से चार्जेस होता है, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द पार्टी का एरिया कितना है। ये ऑफिस लुक है, ऑफिस लुक का पैनल है, ये वुडन लुक में दिया गया है। जो आपने अभी डिज़ाइन बनाया हुआ है इसकी अगर मैं कॉस्टिंग निकालना चाहूँ तो कितने पैनल यूज़ किए हैं, क्या कॉस्टिंग बैठी है आपकी? मैं बताऊँ, ये सामने वाली जो दीवार है ये इसका जो मैक्सिमम जो इसकी जो विड्थ है ये 10 फिट है, तो इसमें 12 पैनल यूज़ हुए हैं कटिंग के साथ, और जो ये इसके बाद इसमें डबल पैनलिंग की गई है, जो ये वेव आ रही है इसको हमने इसके पैनल के ऊपर डबल वापस फ्रेमिंग किया है, फ्रेमिंग के बाद इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैनल लगे हैं तो ये डबल फ्रेमिंग का आ जाता है। तो ये सारा जो पैनल होता है हमारा डिपेंड ऑन पैनल इज अ 1 पैनल इज इक्वल टू 8.5 स्क्वायर फीट, तो ये पैनल का हम जो रेट देते हैं 1 पैनल इज 10 पैनल इज इनटू 8.5 इनटू 110 टोटल कॉस्टिंग रुपये स्क्वायर फीट, ये LCD पैनल के हिसाब से है ये टोटल कॉस्टिंग 110 रुपीज़ स्क्वायर फीट। ठीक है, और PVC के कुछ डिज़ाइन देखना चाहूँगा। PVC के ये डिज़ाइंस आते हैं वैसे ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन चलते हैं हॉट स्टैम्पिंग के साथ, हम वुडन लुक के अंदर कोप देते हैं, ये कोप का पैनल होता है, ये कोप का पैनल होता है, और अगर कोप में कोई और लेना चाहे तो इस टाइप से इसमें 3 तरह की क्वालिटी आती हैं, इसमें वुडन, इसमें ये पैनल जो है सिल्वर लाइन आ रहा है, इसमें गोल्डन लाइन आते हैं, और उसके बाद अगर वॉल्स पे सीलिंग पे अगर वॉल का पैनल लिया जाए तो ये पैनल यूज़ करते हैं। ऑफिस लुक में लोग ज़्यादातर वुडन ले रहे हैं, आजकल जो हमारा नया ट्रेंड चल रहा है वो सिंगल कलर चल रहा है, दिस कलर ग्रे कलर, और ये इसी कलर की छत बना दी जाती है, आप देख सकते हैं इसको। और इस पैनल का कॉस्ट कितना होगा, पूरे 10x10 के पैनल का कॉस्ट क्या पड़ता है रिटेल में जो एंड टू एंड कस्टमर पे जाता है? ये पैनल जो है 10 इंच की विड्थ है इसकी, 10 इंच की लेंथ है एक पैनल में, 8.5 स्क्वायर फीट आता है, तो ये पैनल जो है कॉस्ट हम जो ज़्यादातर पार्टीज को लगा के देते हैं जितने भी घरों में लगा के देते हैं 425 पर पैनल की कॉस्ट आती है विद इंस्टॉलेशन, विद इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह सब। हाँ, या वॉल की और जो सीलिंग है उसमें हमारे को फ्रेमिंग वगैरह करनी पड़ती है, जो फ्रेमिंग चार्जेस लगता है 20 से 25 रुपीस एरिया के ऊपर से हिसाब से, तो 50 में आप 25 प्लस करें तो 70-75 रुपीस पर स्क्वायर फीट हम सीलिंग का चार्ज करते हैं। ठीक है, ऊपर का सेक्शन देख रहा हूँ मैं, है ना, ये भी आपने ये एक डिज़ाइनर काम है, ये कोप एक तरह की कोप है, जो कोप पहले जो अभी भी चलती है ये लटक कोप है, ये लटका के दी गई है, इसके अंदर आप देखना चाहेंगे तो इसके अंदर हमने लाइट्स डाली हुई हैं जिसको आप देसी भाषा में मक्खी लाइट कह सकते हैं, सिंगल लाइट तो उसका है, और आप इसमें आप स्ट्रिप लाइट डाल सकते हैं, स्ट्रिप लाइट्स के बाद इसका थोड़ा लुक आ जाती है, और उसके बाद आप देख रहे होंगे वो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस आप अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, ये नीचे आ जाता है, ये LCD पैनल्स भी बन जाते हैं इस टाइप से यूज़ किया। और इसकी अगर मैं कॉस्टिंग निकालना चाहूँ तो कितने तक में बन जाता है इस तरह का पैनल? ये कॉस्टिंग क्या है, ये पैनल के ऊपर डबल पैनलिंग की गई है, ये एक फ्रेमिंग करनी पड़ता है इसके बाद हमारे को, तो ये फ्रेमिंग का जो चार्जेस पड़ता है तो फिर जाके फ्रेमिंग और पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सिंपल है, नॉट वेव जो पहले आपको दिखाई है, तो ये एट द रेट ऑफ 75 जो सीलिंग का रेट है। मार्बल
फिनिश में भी आपके पास है मार्बल लुक में भी 4-5-6 क्वालिटी है हमारे पास, तो मार्बल लुक जो है वो हैवी पैनल में ही आता है ऑलमोस्ट। अच्छा। और इनकी क्या प्राइस होती है वैसे? इनका ऑलमोस्ट जो प्राइस आता है 55 rupees स्क्वायर फीट के हिसाब से वॉल का आता है विद इंस्टॉलेशन। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फैमिली का पार्ट जरूर बने। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा, मिलूंगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका भाई आपसे लेना चाहेगा अलविदा।